आईनी दरख्वास्त खारिज कर दी गई। नून लीग और पीपी गैर मुल्की फंडिंग की दस्तावेजात फराहमी से मुतालिक केस पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने 11 अक्टूबर तक फैसला महफूज करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। हमें भी नून लीग के अकाउंट्स देखने की इजाजत दी जाए, वफाकी वजीर फारूक हबीब कहते हैं उनकी चालाकी आप नहीं चलेंगी, उनके पास सबूत नहीं तो कतरी खत ही ले आए। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है तमाम जमातों के खातों की जांच पड़ताल करें। हुकूमत जमहूरी रवायात से तसादुम की राह पर है। ईवीएम से वोटर की राजदारी नहीं रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान कहती हैं मुल्क पर ऐसी वोटिंग मशीनरी मुसल्लत की जा रही है जिसकी दुनिया के दीगर ममालिक और इलेक्शन कमीशन ने मुखालफत की है। मुल्क की सलामती और तरक्की की जमानत जमहूरियत है। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए तवील और तारीखी जद्दोजहद की। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आयन पर अमन और अनन, अमल दरामद और पार्लिमान के एहतराम के मुकदम रखे बगैर मुल्क में एक नहीं बल्कि दो पाकिस्तान चलते रहेंगे। और कोरोना वायरस से मजीद 73 अफराद जां बहक। अमवात की मजमूई तादाद 26,938 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,12,809 से तजावुज, 2,714 नए केसेस रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों का आगाज करते हुए आपको बताते हैं कि रीजनल ब्यूरो चीफ कोहिनूर टीवी रावलपिंडी इफ्तखार अली भट्टी के वालिद गुज़िश्ता रोज वफात पा गए थे, जिनकी कुलखानी का खत्म कल सुबह 11 बजे उनकी रिहायशगाह गली नंबर 5 गौसिया चौक राजा अकरम कॉलोनी रावलपिंडी में अदा किया जाएगा। मरहूम के अहले खाना के दुख में कोहिनूर टीवी इंतजामिया बराबर की शरीक है। ठट्ठा में पहली बार सेफ सिटी प्रोजेक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह। तकरीब में डीआईजी शर्जील इनाम खरल, सीएलपीसी चीफ हबीब जीरो और दीगर ने शिरकत की। मजीद जानते हैं शहराज वारियों की इस रिपोर्ट में। ठट्ठा की तारीख में पहली बार सेफ सिटी प्रोजेक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह डीआईजी हैदराबाद शर्जील इनाम खरल, सीएलपीसी चीफ हबीब जुबैर, डिप्टी कमिश्नर ठट्टा गजनफर कादरी, एमपीए रियाज हुसैन शाह शिराजी, एमपीए जाम गुराम खान जोखी और देगर ने इफ्तिताह किया। उस सिलसिले में एसएसपी ठट्टा डॉक्टर इमरान खान न्याजी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट बिजनेस कम्युनिटी और दोस्तों की मदद से मुकम्मल किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत ठट्टा और मकली के दाखिली और खारजी रास्तों समेत 50 मकाम पर कैमरे नस्ब किए गए हैं। कैमरों की मदद से 1 किलोमीटर तक एरिया मुकम्मल कवर किया जा सकता है। जबकि डीआईजी हैदराबाद शर्जील इनाम खरल ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से जुराइम कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट ठट्टा की आवाम के लिए एक तोहफा है। एसएसपी ठट्टा की काविशें बेहतरीन हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट की सिंध के देगर अजला में भी ज़रूरत है, जिस पर काम जारी है। इफ्तिताह तकरीब में सीएलपीसी चीफ जुबैर हबीब, एमपी रियाज हुसैन शाह शिराजी, एमपी जाम गुराम खान जोखियो और देगर ने भी खिताब किया। कैमरा टीम के साथ शिराज वारियो, कोहिनूर न्यूज़। बहावल नगर में इंतजामिया की तरफ से गदागरी के खात्मे के लिए रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने कयादत की। मजीद जानते हैं शेख जमान मकसूद से। अजी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर सिटी चौक में। आपको बताएं कि आज डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से गदागर के खिलाफ आज गाई मुहिम का आगाज कर दिया गया और मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद हैं। जी सर, ये बताइएगा, ये आज गदागर के खिलाफ गाई मुहिम का आगाज किया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? पंजाब में जो दीगर मसाइल हैं उनमें से एक अहम मसला जो है वो पेशावर गदागरी है, जिसकी वजह से बेशुमार जो हैं मसाइल और जराइम जो हैं वो पैदा होते हैं और हमारा मुआशरा जो गैर महफूज हो जाता है। मुआशरे को महफूज बनाने के लिए जहां हुकूमत पंजाब ने दीगर इकदाम किए हैं, वहां सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब ने हमें हुक्म दिया है कि पेशावर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि मुआशरे को पुरअमन और महफूज और मामून बनाया जा सके। इसलिए ये कार्रवाई की गई है।
कल और आज के दरमियान जो हैं वो 20 से ज़्यादा पर्चे दर्ज हो गए हैं। और एक तो ये पर्चे है, दूसरा एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का एक ये भी प्रोग्राम है कि जो अगर कोई वाकई गरीब आदमी है, उसका घर बार नहीं है, तो उसके लिए पनाहगाहें बना दी गई हैं ताकि उनको बाइज्जत तौर पे वहाँ खाना भी मुहैया किया जाए और रिहाइश का बंदोबस्त भी किया जाए। अब मेरी आवाम से गुजारिश है कि वो जहाँ कहीं पेशेवर गर्दा अगर देखें वो हमारे नोटिस में लाएं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा 20 से ज़्यादा गदागार के खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई भी की है। इसके अलावा जो जैनमन गदागार हैं उनके हक में जो है गवर्नमेंट की जानब से पनाह गाहें भी बनाई गई हैं। जाहिर पेड़ में 8 लाख की डकैती और मुजाहमत पर एक शख्स कत्ल, डाकू फरार, पुलिस ने नाका बंदी करके कार्रवाई शुरू कर दी। हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल इस वक्त मुतासरा शख्स के भांजे के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी आसिफ इकबाल, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जहरपीर में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज जो है यहाँ पे डकैती का एक वाकया पेश आया है, जहाँ पे मज़ाहमत पर एक बंदे को गोली लगी और मौके पे वो जान बाँक हो गया। मैं उन जो जिनको डकैती लगी है उनके अजीज के साथ मौजूद हूँ, उनसे पूछते हैं कि काल वाला वाकया कैसे हुआ और किस तरह हुआ, उन्होंने कोई रैकी वगैरह की है और किस तरह इनका नुकसान हुआ है, इनका हुकूमत से क्या मुतालबा है। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुएं के साथ ही मेरे बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल का, तो ये शायद वकुआ ना होता, क्योंकि अगर पुलिस के नाके होते बगैर नंबर प्लेट गाड़ी मोटरसाइकिल कोई चीज़ भी आती है तो उसको तो रोका जा सकता है। तो वारदात ही ऐसे होती है जब किसी का सबूत ही नहीं है, नंबर प्लेट भी नहीं है। तो हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि हमें तहफ़ दिया जाए। कल के वाक़े के बाद हम तमाम लोग परेशान हैं और खौफ और हरास में हैं, तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या आगे क्या होने वाला है। तो पुलिस को चाहिए हमारी कि हमारी तहफ़ करे और हमारे अफसोमान जहर में कहें। जी जैसा कि इनका कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाले वाक़े की वजह से आसपास के लोगों में जो है शदीद खौफ की लहर दौड़ गई है। इनका कहना है कि आईजी पंजाब को चाहिए कि कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार करें जिससे जो है जरायम की शरह को कम किया जाए। फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीन की सहूलत अवाम को दहलीज पर दस्तयाब होगी। हुकूमत की तरफ से घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद आजम नियाजी से। जी आजम नियाजी, अपडेट कीजिएगा। जी इस वक्त मैं डीक्रॉन डिस्पेंसरी में हूँ। यहाँ पे जो हुकूमत ने डोर टू डोर मेडिसिन का वैक्सीन का सिलसिला शुरू किया है, उसके लिए मैं बिलाल साहब के पास हूँ। बिलाल साहब से पूछते हैं कि ये जो सिलसिला है इसका क्या रद्द अमल है। जी बिलाल साहब, कहिएगा कि ये जो डोर टू डोर आपने सिलसिला शुरू किया है हुकूमत ने, इसका क्या फ़ायदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल में जो डोर टू डोर सिस्टम शुरू हुआ है ना, ये बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि इससे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है, कुछ अनएजुकेटेड है, उन्हें पता नहीं चलता है कहाँ से जाके वैक्सीन लगवानी है। अगर हम डोर टू डोर जाते हैं ना तो इजीली वहाँ से वैक्सीनेट हम कर सकते हैं जाके। लेकिन अभी भी कुछ टीम में हैं, कुछ इलाकों में जो अभी अच्छी तरह काम नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में ये है, अगर उन्हें भी ज़्यादा मोटिवेट कर दिया जाए, अच्छे तरीके से काम हो, तो मेरे ख्याल में जो सब लोगों को वैक्सीनेट आसानी के साथ किया जा सकता है। जी इनका कहना यह है कि ये डोर टू डोर मेडिसिन जो है हुकूमत ने शुरू की वैक्सीनेशन की, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और हर इंसान को, हर मर्द को, हर औरत को, लोग 18 साल से ऊपर जो है उनको लगवानी चाहिए। हाफिजाबाद इंतजामिया की तरफ से सेंट्रल स्पोर्ट्सशिप का आगाज, मुख्तलिफ स्कूल्स की टीमों के दरमियान क्रिकेट मैच खेले गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद अबू बकर मुगल से। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुजार की हदायत पर स्कूलों में बच्चों से खेलों को फ़रोग देने के लिए हाफिज़ाबाद में ज़िली इंतज़ामिया ने स्कूलों से जो फ़न का मुजाहरा रखते हैं, जो खेलों में शौकीन बच्चे हैं, उन्हें ग्राउंड में जो है वो लाया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सलीम आयूब, से जानते हैं वो खेलों के फ़रोग के लिए कैसे इंतजाम कर रहे हैं और ज़िला हाफिज़ाबाद में वो बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी जी शुक्रिया। हुकूमत स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं और जैसे आप देख सकते हैं कि आज सुबह से इस प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है। 8 स्कूलों की टीमें सफ़ेद किट्स में मौजूद हैं जो हमने हुकूमत की तरफ से मुहैया की हैं। बाकी तमाम इंतजाम भी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल किए गए हैं। तो तवक्को ये है कि इस तरह से बच्चे मनफी सरगर्मियों से बचेंगे
और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे, खेलों में मसरूफ़ रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे और बड़े होकर मुल्क के कारामद शहरी बनेंगे। शुक्रिया जी। आपने जाना डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सलीम का कहना था कि बच्चे अगर खेलों में मसरूफ़ होंगे तो मनफी जो सरगर्मियों से बचेंगे और मुल्क में अपना नाम रोशन। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबेन T20 सीरीज शुरू होने से कबल लाहौर की इंतजामिया मुतहरिक, इंतजाम को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। एडिशनल डेप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मूसा अली बुखारी, एडिशनल डेप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग अनम जैद, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन इब्राहिम अरबाब का कजाफी स्टेडियम का दौरा। पीसीबी हुकाम ने इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबेन T20 सीरीज 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगी। अफसरों ने कजाफी स्टेडियम में T20 सीरीज के हवाले से किए जाने वाले इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा की हिदायत पर इंतजामी अफसरों ने कजाफी स्टेडियम का दौरा किया। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।